मध्य प्रदेश के गुना में बुधवार रात को डंपर से टक्कर के बाद यात्री बस में आग लग गई। हादसे में 13 लोग जिंदा जल गए, 11 शव बस के अंदर जबकि 2 गेट के पास मिले। प्रशासन ने इसकी पुष्टि की है। करीब 16 लोग झुलस गए, उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार दोपहर करीब 12:30 बजे गुना जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि घाटी पर चालक न्यूट्रल में डंपर उतार रहा था, इसी दौरान स्टीयरिंग और ब्रेक जाम हो गए और डंपर सीधे बस से जा टकराया। ब्यूरो रिपोर्ट, EMSTV भोपाल। कलेक्टर SP सर से बात भी की थी और अभी मैं स्वयं जा रहा हूं और जिस प्रकार की घटना है बहुत हृदय विदारक है। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा ऐसी कभी घटना न हो पाए और मैंने कल रात को जाँच के आदेश भी दिए। अभी कोशिश कर रहे हैं कि बस का अगर परमिट नहीं है तो बस कैसे चल रही थी, या जहाँ से ये टर्निंग पॉइंट है आमने सामने की टक्कर हुई तो वो ऐसे डेंजर जोन जा भी हो, इसके संबंध में क्या कर सकते हैं और जो जो भी जवाबदार होगा उस किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैं दुख की इस घड़ी में सभी मृतकों के परिवार के साथ हूँ, घायलों के लिए हमारी संवेदना है और उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से ऐसी कोई भी घटना होगी तो आगे उसको बहुत सख्ती से रोकेगा भी सही और भविष्य में न हो इसके प्रबंध भी करेगा।